लग रहा है आज मुश्किल तो आसान कल होगा। समस्या का समाधान एनजीई द्वारा हल होगा, क्योंकि एनजीई लेकर आई है सहज भारत योजना। एनजीई की सहज भारत योजना के अंतर्गत भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। एनजीई की सहज भारत योजना द्वारा कूड़ा करकट से होगा हरित ईंधन का निर्माण और देश की कई जटिल समस्याएं होंगी छूमंतर। आप कहेंगे समस्या क्या क्या है, तो मेरे देशवासियों, समस्या है शहरों में कूड़े कचरे का विशालकाय और अनगिनत ढेर। वो कूड़ा कचरा जिसे हम अनजाने में जला देते हैं, वो कूड़ा कचरा जिसने हमारी सांस लेना दूभर कर दिया है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 25 लाख लोगों की मौत सिर्फ प्रदूषण से होती है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में बच्चे बीमारियां लेकर पैदा होंगे और बुढ़ापा आने से पहले दुनिया छोड़ देंगे। देश में वाहनों की संख्या में निरंतर तेजी से वृद्धि हो रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार एशिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है। आप सोच में पड़ गए ना, इतनी सारी समस्या को कैसे दूर करेंगे? तो हम आपको बताते हैं, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बस याद कीजिए अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस बात को जिसमें वो हमें CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस के उपयोग के लिए प्रेरित करते आए हैं। भारत सरकार की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 इस नई CBG क्रांति का पुख्ता सबूत है, जो उन्नत जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से जोर देती है। बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं है, बल्कि वो मंत्र है जो 21वीं सदी के भारत को, और न सिर्फ भारत को, पूरे विश्व की मानव जात को नई ऊर्जा देने वाला है। बायोफ्यूल यानी फसलों से निकला ईंधन, फसल के अवशेष से निकला ईंधन, कूड़े कचरे से निकला ईंधन, ये भारत के गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो पहल की, वो निश्चित रूप से वाहन उपभोक्ताओं के साथ साथ किसानों और उद्यमियों को, दोनों को फायदा होगा। IOCL का इस परियोजना के बारे में क्या कहना है, आइए वो भी सुने। स्वच्छता ही सेवा, पखवाड़े में लॉन्च की जा रही ये पहल महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत का सपना साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसमें कचरा, कूड़ा, पशुमल और फसलों के वेस्ट से होगा बड़े स्तर पर स्वच्छ हरित ईंधन का सृजन। उत्पादित CBG को ईंधन स्टेशन नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए कैस्केज का उपयोग और जैव खाद, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि उत्पादों की बिक्री से होने वाला लाभ। वैसे एक अनुमान के अनुसार भारत में विभिन्न स्रोतों से उत्पादित की जाने वाली CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस की प्रतिवर्ष क्षमता है 62 मिलियन टन, और देश में है 1500 CNG स्टेशन जो दे रहे हैं 32 लाख वाहनों को अपनी सेवाएं। NGE यानी नेक्स्ट जेन एनर्जिया इस क्षेत्र में पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ चुकी है। NGE आपके लिए लेकर आई है सहज भारत योजना, जिसमें है समृद्ध उद्यमी, कुशल कारीगर और समृद्ध भारत। सहज योजना के अंतर्गत कूड़ा करकट, कल कारखानों के अपशिष्ट, मवेशियों के गोबर, सड़ी हुई सब्जियों, फसलों के अपशिष्ट, प्लास्टिक से हरित ईंधन और जैविक खाद्य का भारी मात्रा में निर्माण किया जाएगा। NGE के इस प्रोजेक्ट के तहत कई उद्यमियों को उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और स्वचालित ईंधन में CBG के उपयोग हेतु बाजार में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। NGE देश भर में 35,000 CNG स्टेशन और कई CNG प्लांट लगाने जा रही है, जिससे भविष्य में रोजगार सृजन होंगे और कई टन सालाना CBG ईंधन उत्पादित होगा। NGE की इस परियोजना से और भी कई लाभ हैं, जैसे कच्चे तेल में खर्च कम होगा, परिवहन ईंधन की उपलब्धता के साथ साथ किसानों की आय बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, अपशिष्ट का समुचित उपयोग हरित ईंधन के सृजन में होगा, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, पर्यावरण स्वच्छ होगा और देशवासियों को प्रदूषण से निजात मिलेगी।
एनजीई की इस सहज भारत योजना में बड़े व्यापारियों और एंटरप्रेन्योर्स का हार्दिक स्वागत है। आप सहज भारत से सहज रूप से जुड़ें और नए भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हमारे साथ जुड़कर सीएनजी पंप, सीएनजी प्लांट, इलेक्ट्रिक वाहन रिचार्ज मशीन स्थापित करें और साथ ही साथ जैविक खाद्य का निर्माण कर सफलता की नई कहानी लिखें। आइए, आपका स्वागत है एनजीई की इस पहल में। आप भी मन से जुड़ें और नए भारत के निर्माण में सहयोग करें।